हेलो बच्चों, कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं हो सकते यारो। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। अगर आप पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत से, पूरी लगन के साथ काम करते हैं तो आप अपने फाइनल टारगेट तक जरूर पहुंच पाएंगे। एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं इस बेहतरीन सेशन में। आज हम स्टोइकियोमेट्री की बात करेंगे। दोस्तों, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री में एक बेहतरीन टॉपिक को जानेंगे। टॉपिक का नाम है स्टोइकियोमेट्री। नाम तो आपने सुना होगा ही, पूरी मायावी दुनिया होती है स्टोइकियोमेट्री की। आज हमें पूरे स्टोइकियोमेट्री के जादू को समझना है, और स्टोइकियोमेट्री पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में यूज होगी। यानी स्टोइकियोमेट्री फिजिकल केमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये टॉपिक आपका वीक रह गया, आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में काफी परेशानी स्टार्ट हो जाएगी। इस टॉपिक को हमें बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। स्टोइकियोमेट्री क्या है? ये टू ग्रीक वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से डिराइव्ड है स्टोइकियोमेट्री। ग्रीक वर्ड्स क्या है? स्टोइकियोन एंड मेट्रोन और मेट्री। स्टोइकियोन का क्या मीनिंग है? स्टोइकियोन मीन्स एलिमेंट। मेट्री और मेट्रोन मीन्स कैलकुलेशन और मेजरमेंट। देखिए, एलिमेंट की कैलकुलेशन, मेजरमेंट यानी क्वांटिटी से रिलेटेड हमें बात करनी है स्टोइकियोमेट्री में। आइए, स्टोइकियोमेट्री में क्या क्या क्वांटिटीज हमें मेजर करनी है। स्टोइकियोमेट्री डील्स विद कैलकुलेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। देखिए, ये क्वांटिटीज क्या हो सकती हैं? ये रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स से रिलेटेड ये क्वांटिटीज क्या हो सकती हैं? ये नंबर ऑफ मोल्स हो सकते हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स हो सकते हैं, मास हो सकते हैं। क्लियर है बात? नंबर ऑफ मोल्स, मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, मास, वॉल्यूम, इसकी बात की जा सकती है स्टोइकियोमेट्री में। यानी रिएक्टेंट्स नंबर ऑफ मोल की टर्म्स में मेजर किए जा सकते हैं, प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में मेजर किए जा सकते हैं, मास की टर्म्स में मेजरमेंट हो सकती है, वॉल्यूम की टर्म्स में क्या हो सकती है? मेजरमेंट हो सकती है। आई होप इसको आपने काफी बारीकी से अंडरस्टैंड कर लिया है। स्टोइकियोमेट्री का मीनिंग है मेजरमेंट, और क्वांटिटीज हमें रिलेट करनी है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की क्वांटिटी भी रिलेट की जा सकती है, मास को रिलेट किया जा सकता है, हम वॉल्यूम को आसानी के साथ रिलेट कर पाएंगे। देखिए, क्वांटिटीज को बारीकी से अंडरस्टैंड करने के लिए कब किसकी क्वांटिटी कितनी फॉर्म होगी, इसके लिए हमें इंटरप्रिटेशन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात करनी होगी। इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। जी हां, वंस वी गेट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, देन वी कैन इजिली इंटरप्रेट ए केमिकल इक्वेशन बाय फॉलोइंग वेज। सबसे पहले हमें इक्वेशन को बैलेंस करना होगा, उसके बाद इक्वेशन को विजुलाइज करेंगे, फील करेंगे, सारी कहानी, सारी माया को जानेंगे। देखिए, ये तो आप जानते ही होंगे, R gives us P, ये एक हाइपोथेटिकल केमिकल इक्वेशन है। इसमें R क्या है? जो सब्सटेंसेस रिएक्ट होंगे, इन सब्सटेंसेस को क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स। एंड जो सब्सटेंसेस फॉर्म होंगे एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये क्या होंगे? ये प्रोडक्ट होंगे। आई होप ये कहानी तो आपको पता होगी। रिएक्टेंट प्रोडक्ट की डेफिनेशन आपको नहीं बताई जाएगी, लेकिन मैंने फिर भी आपको रिवाइज करवा दिया है। जो रिएक्ट होने वाले सब्सटेंसेस हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। जो लेफ्ट हैंड साइड एरो से पहले इंडिकेटेड है, एंड रिएक्ट होने के बाद जो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हुए होंगे, जो एरो के राइट साइड है, ये सब्सटेंसेस क्या है? एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन ये सब्सटेंसेस हमें मिलते हैं एरो के राइट साइड। क्या है ये? ये सब्सटेंसेस प्रोडक्ट्स हैं। आई होप रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन है। तो देखिए, स्टोइकियोमेट्री की दुनिया में आगे चल सकते हैं। ए प्लस बी बी गिव्स अस सी सी प्लस डी डी। ध्यान से देखना, एक और हाइपोथेटिकल केमिकल इक्वेशन आपके सामने है, एक और हाइपोथेटिकल केमिकल इक्वेशन आपके सामने है। ये जनरल हाइपोथेटिकल केमिकल इक्वेशन है,
जिसमें देखिए कैपिटल ए कैपिटल बी क्या है, ये रिएक्टेंट्स हैं। कैपिटल ए कैपिटल बी ये क्या है, ये रिएक्टेंट्स हैं। कैपिटल सी कैपिटल डी क्या है, तो राइट साइड है देखिए, ये प्रोडक्ट्स हैं। ये क्या है, ये प्रोडक्ट्स हैं जो राइट साइड है। ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी ये क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी ये क्या है, ये है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट्स। जी हां, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट सही है। इनका क्या यूज होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट्स का यूज क्या है, देखिए इन कोफिशियंट्स को यूज करने से हमारा कौन सा मकसद पूरा हो पाएगा। इन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट्स को यूज करने से हम आसानी के साथ नंबर ऑफ एटम्स को इक्वलाइज कर पाएंगे। जितने पर्टिकुलर टाइप के एटम्स लेफ्ट हैंड साइड होंगे उतने ही राइट हैंड साइड होंगे। अगर हमने इक्वेशन को बैलेंस्ड किया है, प्रॉपरली इक्वेशन बैलेंस्ड है, तो उस केस में जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड होंगे उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड होंगे। यानी कंजर्वेशन ऑफ एटम्स को फॉलो करते हुए हमें इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। जब भी बैलेंसिंग की बात होगी एटम्स के नंबर को हमें क्या करना होगा, इक्वलाइज करना होगा। केमिकल रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होगी एटम्स की, नंबर तो दोनों तरफ क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। इसलिए प्रॉपर इंस्पेक्शन से या हीट एंड ट्रायल मेथड से स्टोइकियोमेट्री की दुनिया में आगे बढ़ने से पहले इक्वेशन को बैलेंस करना बेहद जरूरी है। अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपके पास नहीं है तो आप स्टोइकियोमेट्री के मायाजाल में फंस जाएंगे और आपसे कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहला काम क्या है, इक्वेशन को बैलेंस करना। इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसकी प्रैक्टिस हम क्वेश्चंस में कर लेंगे। देखिए अभी हमें मास मास एनालिसिस की बात करनी है, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इज गिवन देन मास ऑफ प्रोडक्ट कैन बी इजीली डिटरमाइंड। हम मास ऑफ प्रोडक्ट को आसानी के साथ डिटरमाइन करना सीखेंगे। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, अगर हमारे पास प्रोडक्ट का मास हुआ तो आसानी के साथ रिएक्टेंट का मास कैलकुलेट किया जा सकता है। जी हां, मैं रिक्वायर्ड मास की बात कर रहा हूं। देखिए मास मास एनालिसिस को ज्यादा बारीकी से अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल की हेल्प से आसानी के साथ मास मास एनालिसिस को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का नाम सुना ही होगा आपने, इसको हीट करने से कैल्शियम ऑक्साइड CaO फॉर्म होगा एंड CO2 गैस रिलीज होगी। ये केमिकल रिएक्शन आपके सामने है, ये सॉलिड फॉर्म में है, इनकी फिजिकल स्टेट को भी इंडिकेट किया जा सकता है। ये भी सॉलिड फॉर्म में है, ये गैसेस फॉर्म में है। देखिए सबसे पहला टास्क हमारे लिए क्या होना चाहिए, इक्वेशन को बैलेंस करना चाहिए। ये देखिए ये वन है तो कैल्शियम वन है, कार्बन वन है, ऑक्सीजन थ्री है लेफ्ट हैंड साइड। देखिए यहां वन वन कंसिडर करने से ही सभी एटम्स का नंबर दोनों तरफ क्या मिल जाएगा, दोनों तरफ हमें सेम मिल जाएगा। यानी इक्वेशन ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है। तो देखिए मास मास एनालिसिस कैसे अप्लाई किया जाए। जो कोफिशियंट है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो कोफिशियंट है वन यहां और यहां देखिए वन वन, इन कोफिशियंट्स को ही आप क्या मान सकते हैं, मोल मान सकते हैं। यानी वन मोल। क्लियर है बात। अब देखिए इन मोल्स के कोरस्पोंडिंग जो क्वांटिटीज होगी, जो मास होंगे, इनको इंडिकेट करते हैं। कैसे इंडिकेट करेंगे, हमारे पास एटॉमिक मासेस है, एटॉमिक मासेस से मॉलिक्यूलर मासेस की बात की जाएगी और उसके बाद मोलर मासेस तक तो आसानी के साथ पहुंच ही जाएंगे। कैसे, ये देखिए कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, कैल्शियम का नंबर 1 है इंटू 1, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, कार्बन का नंबर इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 इंटू नंबर क्या है, 3 है। तो यहां से देखिए हमें मॉलिक्यूलर मास क्या मिलता है, 100 मिलता है। और अगर ये 1 मोल है तो 1 मोल के कोरस्पोंडिंग क्या होगा, 100 ग्राम होगा। जितना मॉलिक्यूलर मास AMU यूनिट में होता है उतना ही तो मोलर मास होता है, यूनिट क्या होगी, यूनिट ग्राम होगी। अगर ये 1 मोल है तो इसके 1 मोल के मास को बोलेंगे मोलर मास, दैट इज 100 ग्राम। यहां देखिए कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है,
ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, दोनों का ही नंबर क्या है 11 है, तो यहां से हमें इसका मोलिकुलर मास क्या मिलता है 56 AMU मिलता है, और इसकी क्वांटिटी 1 मोल हमें कंसिडर करनी है, ये 1 मोल है तो यहां भी कोफिशियंट 1 है, ये भी क्या होगा 1 मोल। अगर मोलिकुलर मास 56 AMU है तो मोलर मास क्या होगा, ये होगा 56 ग्राम। क्लियर है बात, ये 100 ग्राम डिकम्पोज हुआ तो कितना बन पाएगा, ये बन पाएगा 56 ग्राम, इसका ये मीनिंग है। आगे देखिए, ये भी 1 मोल फॉर्म होगा, 1 मोल का मास क्या होगा, आइए सबसे पहले इसके मोलिकुलर मास की बात करें। कार्बन का एटॉमिक मास 12, कार्बन का नंबर है 1, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, नंबर क्या है 2 × 2, ये होगा 44 AMU। 1 कैल्शियम कार्बोनेट का मास 56 AMU है तो मोलर मास 56 ग्राम है। ऐसे ही ठीक इसी प्रकार से अगर CO2 का मोलिकुलर मास 44 AMU है तो मोलर मास क्या होगा, ये होगा 44 ग्राम। इस प्रकार से हमने कोफिशियंट को मोल मानते हुए इनके मासेस को इंडिकेट कर लिया है। अब देखिए क्या करना होगा, इक्वेशन को बैलेंस कर लिया है और कोफिशियंट को मोल मानते हुए इनके मासेस को हमने इंडिकेट कर लिया है। इसके बाद मास मास एनालिसिस में क्या करना होगा, इसके बाद देखिए कुछ भी नहीं करना है, बस आपको देखना है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। क्या देखना है, देखिए मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड रेशियो लेना है, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ये रेशियो क्या है, ये रेशियो 100/56 है, यानी इसको यूज करेंगे हम क्वेश्चंस में। क्वेश्चन में आपको मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या तो गिवन होगा या कैलकुलेट करना होगा, अगर गिवन है तो इसको पुट कर देंगे, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा, अगर गिवन नहीं है, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड गिवन है तो इसको पुट कर देंगे, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा। यही क्या है, इसी माया को मास मास एनालिसिस बोला जाता है। देखिए अब रेशियो लेंगे, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड मास ऑफ CO2 का, मास ऑफ CO2 का देखिए रेशियो क्या मिलता है, रेशियो हमें मिलता है 100/44। कोफिशियंट को मोल मानते हुए जो हमें मास मिलता है, इस मास का ही रेशियो लेना है, और यह ध्यान रखना है इक्वेशन क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए, दोनों तरफ एटम्स का नंबर क्या होना चाहिए, दोनों तरफ एटम्स का नंबर सेम होना चाहिए। अगर इक्वेशन बैलेंस्ड है इस प्रकार से तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे दोनों तरफ, और साथ में मास भी कंजर्व्ड होगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। आप देख सकते हैं 56 + 44 ये 100 है और ये भी 100 है, यानी देखिए इस प्रकार से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपके सामने है, 100% रिएक्शन कंप्लीट हुई है तो हम बोल सकते हैं टोटल मास रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के इक्वल होगा। देखिए टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। देखिए रिएक्टेंट्स का मास प्रोडक्ट्स के मास के क्या है, इक्वल है। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है मास कंजर्वेशन एंड एटम कंजर्वेशन एप्लीकेबल है, एटम का नंबर इक्वल होगा दोनों तरफ तभी तो मास इक्वल हो पाएगा, इसका मीनिंग है मास कंजर्वेशन एप्लीकेबल है और साथ में एटम कंजर्वेशन भी एप्लीकेबल है, एटम कंजर्वेशन भी केमिकल रिएक्शंस के लिए क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, और इसको हम एक बेहतरीन अंदाज में केमिकल रिएक्शंस के लिए यूज करेंगे, और एक जबरदस्त टॉपिक को आप जानेंगे जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, जिससे हम बिना इक्वेशन को बैलेंस किए, बड़ी बड़ी रहस्यमय इक्वेशन को बिना बैलेंस किए, हम स्टोइकोमेट्री के क्वेश्चन को आसानी के साथ सोल्व कर पाएंगे। देखिए उतना सब कुछ जानने से पहले सबसे पहले हमें नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग तो बनानी होगी, इसके लिए हमने यहां पर क्या डिस्कस किया, हमने यहां पर डिस्कस किया मास मास एनालिसिस, जिसमें हमने एक रिएक्टेंट के मास का एंड दूसरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास का क्या लिया है, रेशियो लिया है। यहां पर दूसरा रिएक्टेंट नहीं है तो इसके साथ किसके मास का रेशियो लिया है, एक बार
कैल्शियम ऑक्साइड प्रोडक्ट के मास का रेशियो लिया है, दूसरी बार CO2 प्रोडक्ट के मास का रेशियो लिया है। इस प्रकार से मास मास एनालिसिस हमने यहां पर डिस्कस किया है। क्या दो प्रोडक्ट्स के मास का रेशियो भी लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। मैं बात कर रहा हूं मास ऑफ CaO डिवाइड बाय मास ऑफ CO2 की। इनका रेशियो क्या है? इनका रेशियो इस प्रकार से है 56 डिवाइडेड बाय 44। यानी अगर आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड का मास है तो आसानी के साथ CO2 का मास कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर CO2 का मास है तो कैल्शियम ऑक्साइड का मास आसानी के साथ कैलकुलेट कर लेंगे। उम्मीद करता हूं इस टेक्निक को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं मास मास एनालिसिस की और ज्यादा प्रैक्टिस के लिए, महारत हासिल करने के लिए एक और एग्जाम्पल हमारे सामने है। एग्जाम्पल इस बार यह है KClO3 gives us KCl and O2। डीकंपोजिशन के बाद क्या फॉर्म होगा? KCl फॉर्म होगा, O2 फॉर्म होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। हीट एंड ट्रायल मेथड से इक्वेशन को हम बैलेंस करना सीखेंगे। ये आपको आता भी है। यहां देखिए ऑक्सीजन 2 है, यहां नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 है, इनको कैसे इक्वलाइज किया जाए? इसके लिए यहां पर कोफिशियंट हमें 3 कंसिडर करना होगा और यहां पर कोफिशियंट हमें क्या कंसिडर करना होगा? 2। जैसे ही कोफिशियंट 2 कंसिडर करते हैं KCl भी क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। यानी यहां भी कोफिशियंट क्या होगा? 2 होगा। इस प्रकार से बेहतरीन अंदाज में हमने सभी एटम्स को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या बना लिया है? इक्वल बना लिया है। जितने एटम्स एक पर्टिकुलर टाइप के लेफ्ट हैंड साइड हैं, उतने ही एटम्स उस पर्टिकुलर टाइप के कहां हैं? राइट हैंड साइड है। आइए एटम्स के नंबर को इक्वल बनाने के बाद अब हमें इनके मोलिकुलर मासेस को इनकी खोपड़ी पर लिखना होगा। मोलिकुलर मासेस को हमें यहां पर इंडिकेट करना होगा। जैसे पोटासियम का एटॉमिक मास 39 है, पोटासियम 1 है, 39 ही यहां पर कंसिडर करना होगा। 39 इंटू 1 क्या होगा? 39 होगा। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, क्लोरीन का नंबर 1 है इंटू 1, इसको भी 35.5 ही कंसिडर करना होगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, ऑक्सीजन का नंबर क्या है? 3 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 3 है इंटू 3। देखिए इस प्रकार से आपको क्या मिल पाएगा? मोलिकुलर मास 122.5 मिल पाएगा। और 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी ये कितना मास हो जाएगा इसका? 2 मॉलिक्यूल्स का मास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 122.5 इंटू 2 हो जाएगा। लेकिन हमें 2 मॉलिक्यूल्स नहीं कंसिडर करने हैं, हमें कोफिशियंट को क्या मान लेना है? मोल मान लेना है। हमें 2 मोल्स कंसिडर करने हैं, इसके मोल हमें 2 मोल्स ही कंसिडर करने होंगे। कोफिशियंट क्या है? 2 है। इसके मोल हमें 3 मोल्स कंसिडर करने होंगे, कोफिशियंट क्या है? 3 है। देखिए मोलिकुलर मास ये है, तो एक मोल का मास क्या होगा? 122.5 ग्राम होगा। तो 2 मोल्स का मास क्या होगा? इसका मास होगा 122.5 इंटू 2 ग्राम। क्लियर है बात? यहां देखिए 1 KCl का मास क्या होगा? 39 प्लस 35.5, ये होगा 74.5। तो 1 मोल का मास क्या होगा? 74.5 ग्राम होगा। लेकिन हमें कोफिशियंट के अकॉर्डिंग 2 मोल्स के मास की बात करनी है। 2 मोल्स का मास क्या होगा? ये होगा 74.5 इंटू 2 ग्राम। क्लियर है बात? यहां देखिए इसके 3 मोल्स को हमें कंसिडर करना होगा। उससे पहले हमें 1 मोलिक्यूल के मास की बात करनी होगी। 16 इंटू 2, 1 मोलिक्यूल का मास क्या होगा? 32। और 1 मोल O2 का मास क्या होगा? 32 ग्राम होगा। तो 3 मोल्स हैं, 3 मोल्स का मास क्या होगा? 32 इंटू 3 इतना ग्राम होगा। क्लियर है बात? इस प्रकार से हमने कोफिशियंट्स को मोल मानते हुए इनके कोरस्पोंडिंग मास को इंडिकेट कर लिया है। ऐसा काम आप भी आसानी के साथ कर पाएंगे। देखिए इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमें इनके मास के रेशियो को बेहतरीन अंदाज में इंडिकेट करना है। मास ऑफ KClO3 डिवाइड बाय मास ऑफ KCl, ये रेशियो क्या है? ये रेशियो है 122.5 इंटू 2।
डिवाइडेड बाय 74.5 इनटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हमारे पास मास ऑफ KClO3 हुआ तो इसको पुट करेंगे, मास ऑफ KCl हमें मिल जाएगा, यानी प्रोडक्ट का मास हमें मिल जाएगा। अगर प्रोडक्ट का मास हम जानते हैं तो इसको पुट कर देंगे, रिएक्टेंट का मास हमें यहां से मिल जाएगा। ये क्या है, मास मास एनालिसिस है। आगे देखिए, हमें एक और रेशियो की बात करनी है, मास ऑफ KClO3 डिवाइड बाय मास ऑफ O2, ये रेशियो हमें क्या मिलता है, ये देखिए, ये रेशियो हमें मिलता है 122.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ O2, मास ऑफ O2 क्या है देखिए, 32 इंटू 3। इस प्रकार से मास ऑफ KClO3 डिवाइड बाय मास ऑफ O2, ये रेशियो लेने से आसानी के साथ इनकी क्वांटिटीज को रिलेट कर पाएंगे। अगर हमारे पास मास ऑफ KClO3 हुआ तो मास ऑफ O2 कैलकुलेट कर पाएंगे, मास ऑफ O2 हुआ तो मास ऑफ KClO3 भी कैलकुलेट कर पाएंगे। क्या हम मास ऑफ KCl एंड मास ऑफ O2 का रेशियो भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, किसी भी रिएक्टेंट के मास एंड किसी भी प्रोडक्ट के मास का रेशियो ले सकते हैं। तो मास ऑफ KCl डिवाइड बाय मास ऑफ O2, इस रेशियो की भी बात की जा सकती है। दो प्रोडक्ट के मास के रेशियो की भी बात की जा सकती है, दो रिएक्टेंट के मास के रेशियो की भी बात की जा सकती है। देखिए, मास ऑफ KCl रेशियो मास ऑफ O2 क्या है, यह है 74.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 3। अगर हम जानते हैं मास ऑफ KCl तो आसानी के साथ मास ऑफ O2 कैलकुलेट किया जाएगा। अगर हम मास ऑफ O2 जानते हैं तो मास ऑफ KCl को भी आसानी के साथ कैलकुलेट किया जाएगा। आई होप क्रिस्टल आपको क्लियर है, पिक्चर आपको क्लियर है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे हमें मास मास एनालिसिस को क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, KClO3 डीकंपोज होगा हाई टेम्परेचर पर एंड क्या फॉर्म होगा, KCl फॉर्म होगा, ऑक्सीजन फॉर्म होगा। क्लियर है बात? तो देखिए, बैलेंस्ड इक्वेशन को हमने अभी अभी इंडिकेट किया है, एक बार फिर से उसी इक्वेशन की मदद लेते हैं। 2KClO3 gives us 2KCl plus 3O2, इस प्रकार से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें मिलती है। काफी स्टूडेंट्स का डाउट ये रहता है कि क्या सर हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें और एक इक्वेशन ये इंडिकेट कर दें तो कैसे स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये चेंज हो जाएगा। सोचिए इसके बारे में, अगर आपने सुटेबल कोफिशिएंट से इक्वेशन को बैलेंस कर रखा है उसके बाद कितने भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दें उस पूरी इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को, या किसी भी नंबर से डिवाइड कर दें उस पूरी इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को, तो स्टोइकियोमेट्री की दुनिया में फाइनल आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फाइनल आंसर क्या होगा, सेम होगा, यानी कोई भी कोफिशिएंट कंसिडर करने से इक्वेशन बैलेंस हो गई है। यानी कोई भी सेट आप कोफिशिएंट्स का लेते हैं, इक्वेशन बैलेंस्ड है तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इससे आंसर भी सेम आएगा और इससे आंसर भी क्या आएगा, सेम आएगा। इससे रिलेटेड हम पहले ही बात कर चुके हैं, पूरा डेटा हमारे पास है। तो देखिए, मैं यही कोफिशिएंट कंसिडर करते हुए फाइनल आंसर की बात करूंगा। आप घर पर ये ट्राई कर सकते हैं, ये कोफिशिएंट लेने पर क्या आंसर यही आएगा, मुझे पता है हर बार आंसर यही आएगा। इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए, कोफिशिएंट्स का जो सेट है ये अलग भी हो सकता है। देखिए, अलग है 1 1 3 बाय 2, यहां क्या है 2 2 3, इक्वेशन बैलेंस्ड है तो यहां पर स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ये मैं आपको बता चुका हूं, अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता चुका हूं, हर बार आंसर सेम ही आएगा, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो देखिए, इस केस में हमें करना क्या है, इस केस में हमें KCl के मास एंड ऑक्सीजन के मास के ऊपर कमेंट करना है। क्या होगा KCl का मास, क्या होगा ऑक्सीजन का मास, इसकी हमें बात करनी है। तो देखिए, रेशियो की बात करनी होगी, 2 मोल्स का मास क्या होगा, ये हम देख चुके हैं, 2 × 100 22.5 ग्राम होगा। इसके 2 मोल्स का मास हम ऑलरेडी प्रीवियस एग्जांपल में देख चुके हैं, 122.5 × 2 ग्राम होगा। इसके 2 मोल्स का मास क्या होगा, 2 × 74.5 ग्राम होगा। इसके 3 मोल्स का मास क्या होगा, 3 × 32 ग्राम होगा। आइए मास ऑफ KClO3 से मास ऑफ KCl पर कमेंट करते हैं।
मास ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ KCl, मास ऑफ KCl, ये रेशियो क्या मिलता है? ये रेशियो में मिलता है 122.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 74.5। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर मास ऑफ KClO3 को हमें क्या पुट करना होगा, इसको हमें पुट करना होगा जो क्वेश्चन में गिवन है, जो क्वांटिटी गिवन है इसी को ही पुट करना होगा। चलिए इसको पुट किया तो यहां से मास ऑफ KCl आसानी के साथ मिल पाएगा। देखिए 122.5 थ्रीजा क्या होगा, ये होगा 367.5। क्लियर है बात? तो यहां से देखिए मास ऑफ KCl क्या मिल जाएगा, यहां से मास ऑफ KCl हमें मिल पाएगा 74.5 इंटू 3 ग्राम। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, इतना तो आप कर ही सकते हैं। देखिए अब बारी है मास ऑफ O2 की, O2 का मास हमें क्या मिल पाएगा, इसके लिए हमें मास ऑफ KClO3 एंड मास ऑफ O2 को रिलेट करना होगा, यानी हमें फिर से बात करनी होगी देखिए इस मास रेशियो की। मास ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ O2, मास ऑफ O2, देखिए रेशियो क्या मिलता है। मास ऑफ KClO3 क्या है, जो कोफिशियंट्स को मोल मानते हुए जो मास हमने कैलकुलेट किया है उस मास की बात करनी है। ये 122.5 इंटू 2 है डिवाइडेड बाय 3 इंटू 32 होगा मास ऑफ O2। देखिए मास ऑफ KClO3 को यहां पर पुट करना होगा, KClO3 का मास हमें क्या पुट करना है, ये क्वेश्चन में गिवन है 367.5, ये पुट किया 367.5। देखिए यहां से 122.5 थ्रीजा क्या मिलता है, 367.5 मिलता है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आसानी के साथ मास ऑफ O2 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मास ऑफ O2 क्या होगा, ये होगा 3 इंटू 32 डिवाइड बाय 2, ये यहां से मिलता है 288 डिवाइड बाय 2, यानी मास ऑफ O2 क्या होगा, 144 होगा, 144 ग्राम। देखिए मास मास एनालिसिस के बाद अब बारी है एक और एनालिसिस की, मास वॉल्यूम एनालिसिस को हमें या एक बेहतरीन अंदाज में ठीक उसी प्रकार से अंडरस्टैंड करना है जिस प्रकार से हमने मास मास एनालिसिस को अंडरस्टैंड किया है। इफ मास ऑफ वन रिएक्टेंट इज नोन देन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट कैन बी डिटरमाइंड, इफ वॉल्यूम इज नोन देन मास कैन बी डिटरमाइंड। जी हाँ, इफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट इज नोन देन वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन मास ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे हम मास वॉल्यूम को आसानी के साथ रिलेट कर पाएंगे। और इस रिलेशन को ही क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्री की दुनिया में मास को वॉल्यूम से रिलेट करना, वॉल्यूम को मास से रिलेट करना, इस रिलेशन को ही मास वॉल्यूम एनालिसिस बोला जाता है। आइए मेरे साथ मास वॉल्यूम एनालिसिस को ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारे सामने है, 2KClO3 gives us 2KCl plus 3O2, इस इक्वेशन से ऑलरेडी फैमिलियर हो चुके हैं। तो डायरेक्ट मैंने बैलेंस्ड इक्वेशन की ही बात की है, कोफिशियंट्स क्या होंगे ये प्रीवियस एग्जाम्पल में हम देख चुके हैं। तो देखिए इस केस में हमें कोफिशियंट को ही क्या मान लेना है, कोफिशियंट को ही मास मास एनालिसिस और मास वॉल्यूम एनालिसिस में मोल मान लेना है। यहां देखिए 2 मोल्स होंगे इसके, इसके कितने मोल्स होंगे, देखिए 2 मोल्स होंगे और इसके मोल्स कितने होंगे, इसके मोल्स होंगे 3 मोल्स। क्लियर है बात? अब देखिए ये सॉलिड है, सॉलिड के मास को हम आसानी के साथ इंडिकेट कर पाएंगे, लेकिन गैस के लिए अगर वॉल्यूम की बात करनी हो तो आसानी के साथ वॉल्यूम को भी इंडिकेट कर पाएंगे। मास को तो इंडिकेट कर ही सकते हैं, साथ में वॉल्यूम को भी इंडिकेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, मोल कॉन्सेप्ट की दुनिया में एसटीपी कंडीशन पर हमारे पास एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स को कैसे वॉल्यूम से रिलेट किया जा सकता है। ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट एसटीपी कंडीशन डिवाइडेड बाय 22.7 लीटर्स। इस प्रकार से एसटीपी कंडीशन दी होगी और नंबर ऑफ मोल्स
हम कोफिशियंट को मानते हुए आसानी के साथ वॉल्यूम को इंडिकेट कर पाएंगे। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? एसटीपी कंडीशन पर मल्टीप्लाई करना होगा 22.7 से। देखिए 22.7 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें गैस की क्या मिल पाएगी? गैस की हमें वॉल्यूम मिल पाएगी, यानी 3 × 22.7 लीटर्स, ये क्या होगी? O2 गैस होगी। इस फॉर्मूला को केवल और केवल गैसेस के लिए ही अप्लाई किया जा सकता है, सॉलिड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, लिक्विड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए वॉल्यूम हम जानते हैं, कोफिशिएंट को मोल मानते हुए हमने वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर लिया है। कब? जब कंडीशन क्या गिवन हो, यह भी ध्यान रखना है। कंडीशन एसटीपी हो तभी इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन एसटीपी नहीं होगी फिर क्या करेंगे? कंडीशन एसटीपी नहीं होगी फिर क्या करेंगे, ये पूरी माया आगे जानेंगे। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन में कंडीशन एसटीपी ही गिवन होगी आपको, और इस केस में नंबर ऑफ मोल से आप वॉल्यूम आसानी के साथ इस प्रकार से कैलकुलेट कर लेंगे। कोफिशिएंट को मोल मानते हुए वॉल्यूम आपने इंडिकेट कर ली है, वॉल्यूम आपने रिप्रेजेंट कर ली है, और यहां देखिए ये सॉलिड KClO3, सॉलिड KCl के लिए हमें मासेस को इंडिकेट करना होगा इसके कोफिशिएंट को मोल मानते हुए। देखिए मोलर मास हम जानते हैं, इसका मोलर मास ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 122.5 ग्राम, इसका मोलर मास भी कैलकुलेट कर चुके हैं 74.5 ग्राम। तो देखिए 2 मोल्स का मास क्या होगा, ये होगा 2 × 122.5 ग्राम, और इसके 2 मोल्स का मास क्या होगा, ये होगा 2 × 74.5 ग्राम। किस प्रकार से बेहतरीन अंदाज में मास को वॉल्यूम से रिलेट किया जा सकता है? देखिए कोफिशिएंट को मोल मानते हुए मास को इंडिकेट कर लिया है, कोफिशिएंट को मोल मानते हुए हमने इसकी वॉल्यूम को इंडिकेट कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब हम रेशियो लेंगे मास ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ O2। ये रेशियो क्या मिलता है, ये हमें मिलता है 2 × 122.5 डिवाइडेड बाय 3 × 22.7। इस प्रकार से हमें मास पता होगा, मास पुट कर देंगे, जो भी मास की क्वांटिटी हमें पता है इसको हम पुट कर देंगे, और वॉल्यूम ऑफ O2 इसके कोरस्पोंडिंग क्या रही होगी, कितनी वॉल्यूम O2 की यहां पर प्रेजेंट होगी, इसके डीकंपोजिशन के बाद एसटीपी कंडीशन पर इसकी आसानी के साथ बात की जाएगी। और एसटीपी कंडीशन पर रिलीज्ड O2 की अगर वॉल्यूम हमारे पास है तो क्या मास KClO3 का इसके लिए रिक्वायर्ड रहा होगा जिसके डीकंपोज होने के बाद इस O2 की फॉर्मेशन हो पाई है। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर रिवर्स सोचें, वॉल्यूम ऑफ O2 को पुट कर दिया जाए तो जो मास ऑफ KClO3 डीकंपोज्ड है, इसके डीकंपोज होने के बाद ही तो O2 रिलीज हुई है, तो आसानी के साथ मास ऑफ KClO3 डीकंपोज्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम पुट करने से मास मिल जाएगा, मास पुट करने से वॉल्यूम मिल जाएगी, ये रिलेशन क्या है, ये मास वॉल्यूम रिलेशन है। आगे देखिए अगर हमें मास ऑफ KCl एंड मास ऑफ O2 का रिलेशन चाहिए तो इनका मास रेशियो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ये हम ऑलरेडी मास मास एनालिसिस में देख चुके हैं। लेकिन अगर हमें मास ऑफ KCl एंड वॉल्यूम ऑफ O2 का रिलेशन चाहिए तो इसके लिए देखिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें मास ऑफ KCl यहां से कोफिशिएंट को मोल मानते हुए जो मास इंडिकेट किया है यहां से मास कंसिडर करना होगा एंड इसको डिवाइड करना होगा वॉल्यूम ऑफ O2 से। कोफिशिएंट को मोल मानते हुए एसटीपी कंडीशन पर इतने मोल्स के कोरस्पोंडिंग क्या वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम ऑफ O2 से हमें डिवाइड करना होगा, यानी इस वॉल्यूम से डिवाइड करना होगा। किसको डिवाइड करना होगा, इस मास को डिवाइड करना होगा 2 × 74.5 डिवाइडेड बाय 3 × 22.7। ये क्या होगा, ये होगा मास वॉल्यूम एनालिसिस, यानी मास पुट करने से वॉल्यूम मिल जाएगी, वॉल्यूम पुट करने से क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, और ये ध्यान रखना है यहां जो नंबर ऑफ मोल्स हम पुट करेंगे कोफिशिएंट को मोल मानते हुए यहां पुट करेंगे, इसको 22.7 से कब मल्टीप्लाई करना होगा, वॉल्यूम रिप्रेजेंट करने के लिए तब मल्टीप्लाई करना होगा जब कंडीशन कैसी हो, कंडीशन हो एसटीपी। स्टोइकियोमेट्री में कंडीशन कैसे गिवन होगी आपको,
एसटीपी ही गिवन होगी। कंडीशन कुछ और होगी तो क्या करना होगा, इसके लिए आपको अभी तो इंतजार करना होगा। इंतजार आपका खत्म होगा गैसियस स्टेट चैप्टर में, जहां गैसेस के बारे में और बारीक बारीक बातें जानेंगे और किसी भी वॉल्यूम के कोरस्पोंडिंग हम नंबर ऑफ मोल्स की बात कर पाएंगे किसी भी कंडीशन पर, और किसी भी कंडीशन पर हम नंबर ऑफ मोल्स के कोरस्पोंडिंग एक बेहतरीन अंदाज में वॉल्यूम की भी बात कर पाएंगे, यानी दोनों की बात कर पाएंगे। वॉल्यूम गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर पाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो वॉल्यूम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो वहां पर गैसेस की इक्वेशन होती है आइडियल गैस इक्वेशन, उस आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करने से किसी और कंडीशन पर अगर हमें वॉल्यूम की बात करनी होगी तो बाद में ही बात करेंगे। देखिए, अगर एसटीपी कंडीशन नहीं हुई, एसटीपी कंडीशन के अलावा कोई और कंडीशन हुई तो उस केस में क्या करना होगा। अभी तो इस चैप्टर में कोई और कंडीशन आपको दी नहीं जाएगी, अगर किसी और चैप्टर में कोई और कंडीशन हुई उसके कोरस्पोंडिंग अगर हमें वॉल्यूम की बात करनी होगी, अभी आपको इंतजार करना होगा गैसियस स्टेट चैप्टर तक। गैसियस स्टेट चैप्टर में हम आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को जानेंगे, इसकी पूरी माया को जानेंगे और इस इक्वेशन की मदद से किसी और कंडीशन पर भी गिवन नंबर ऑफ मोल्स के कोरस्पोंडिंग हम वॉल्यूम की बात आसानी के साथ कर पाएंगे। अभी आपको इंतजार करना होगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की पूरी माया को बाद में जानेंगे, अभी एसटीपी कंडीशन पर आप नंबर ऑफ मोल्स से आसानी के साथ वॉल्यूम ऐसे कैलकुलेट कर पाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स को 22.7 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इसमें और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं तो एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार फिर से KClO3 के डिकम्पोजिशन की बात करनी है। अगर सब्सटेंस कुछ और हुआ उस केस में भी ऐसे ही मास वॉल्यूम रेशियो की बात करनी है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 367.5 ग्राम ऑफ KClO3 व्हेन हीटेड, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ डाई ऑक्सीजन और ऑक्सीजन O2 गैस इज प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी कंडीशन। एसटीपी कंडीशन पर O2 गैस कितने लीटर्स प्रोड्यूस हो पाएगी, इसकी हमें बात करनी है। एक बार फिर से हमें केमिकल इक्वेशन को यहां पर रिप्रेजेंट करना होगा। इक्वेशन को काफी पहले ही बैलेंस कर चुके हैं। देखिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऐसी होगी, काफी बार इक्वेशन को बैलेंस किया जा चुका है। यह आपके सामने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। कोफिशियंट को मोल मानते हुए हमें, देखिए, मास एंड वॉल्यूम की बात करनी है। कोफिशियंट को मोल मानते हुए मास एंड वॉल्यूम की बात करनी है। तो देखिए, मास ऑफ KClO3 टू मोल्स के कोरस्पोंडिंग क्या होगा, यह होगा 2 × 122.5। ये मोलर मास है, एक मोल का मास है, तो टू मोल्स का मास क्या होगा, 2 × 122.5 ग्राम होगा। यहां देखिए, एक मोल KCl का मास हम जानते हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं, 74.5 ग्राम होता है, तो टू मोल्स का मास क्या होगा, 2 × 74.5 ग्राम होगा। ऐसे ही 3 मोल्स की वॉल्यूम आसानी के साथ कैलकुलेट की जा सकती है। 1 मोल की वॉल्यूम हम जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आइडियल गैस एट एसटीपी कंडीशन इज 22.7 लीटर्स। तो 3 मोल्स की वॉल्यूम क्या होगी, 3 × 22.7 लीटर्स होगी। आई होप इतना आपने आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर लिया है। इसके बाद करना क्या है, इसके बाद हमें मास ऑफ KClO3 से वॉल्यूम ऑफ O2 कैलकुलेट करने हैं, यानी इस रेशियो की बात करनी है। मास ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ O2। रेशियो क्या है, ये देखिए, रेशियो ये है 2 × 122.5 डिवाइडेड बाय 3 × 22.7। यहां देखिए, मास ऑफ KClO3 आपको क्या गिवन है, ये तो हमने कोफिशियंट को मोल मानते हुए मास को इंडिकेट किया है, कोफिशियंट को मोल मानते हुए वॉल्यूम को इंडिकेट किया है, और मास वॉल्यूम रेशियो को यहां पर इस प्रकार से बेहतरीन अंदाज में इंडिकेट किया है। यहां पर मास तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसी मास के कोरस्पोंडिंग कैलकुलेशन करनी है। 367.5 ग्राम अगर KClO3 है तो इसके कोरस्पोंडिंग वॉल्यूम ऑफ O2 क्या होगी, देखिए 122.5 थ्रीजा क्या होगा, 367.5 होगा। इससे हम आसानी के साथ वॉल्यूम ऑफ O2 को कैलकुलेट कर पाएंगे। जल्दी से कैलकुलेट कीजिए,
यहां से वॉल्यूम ऑफ O2 क्या मिलती है? देखिए इसको सिंप्लीफाई इस प्रकार से किया जाएगा, वॉल्यूम ऑफ O2 आपको देखिए क्या मिलती है, वॉल्यूम ऑफ O2 आपको मिलती है 3 into 3 into 22.7. देखिए इस 3 के साथ ये 3 मल्टीप्लाई होगा और 22.7 मल्टीप्लाई होगा, और वॉल्यूम ऑफ O2 को इस तरफ हम शिफ्ट कर देंगे, साथ में 2 से भी डिवाइड करना होगा, इस 2 को भी उधर भेज देंगे, डिवाइड बाय 2 भी करना होगा, इसको हमें सोल्व करना है, और इसको सोल्व करने के बाद वॉल्यूम ऑफ O2 हमारे पास होगी। आई होप आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया होगा। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद वॉल्यूम ऑफ O2 अप्रोक्सीमेटली देखिए क्या मिलती है, वॉल्यूम ऑफ O2 अप्रोक्सीमेटली हमें मिलती है 102 liters। चलिए आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन के साथ ही मास वॉल्यूम एनालिसिस कंप्लीट होता है, यानी हमने मास एनालिसिस एंड मास वॉल्यूम एनालिसिस की एक बेहतरीन अंदाज में बात की है, तो बारी है मोल एनालिसिस को जानने की, समझने की, अप्लाई करने की। देखिए इस एनालिसिस को कैसे अप्लाई किया जा सकता है और इसमें कैसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनाई जा सकती है, ये तो हम देखेंगे ही, लेकिन आपके दिमाग में एक डाउट होगा कि हमें कौन से एनालिसिस को यूज करना है बार बार ताकि क्वेश्चन आसानी के साथ सोल्व हो पाए, यानी तीनों ही एनालिसिस में ऐसा कौन सा एनालिसिस है जो ज्यादा जनरल है, जिसको बार बार अप्लाई करने से किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो स्टोइकियोमेट्री की दुनिया से आसानी के साथ क्वेश्चन को हम सोल्व कर पाए। तो मेरा आंसर होगा मोल एनालिसिस। तो मैं तो आपको यही एडवाइस करता हूं, आप इस एनालिसिस को ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और इसी को ही बार बार यूज करेंगे, क्योंकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा किफायती है, कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए मोल एनालिसिस क्या है, इसको जानने के लिए हमें एक हाइपोथेटिकल जनरल इक्वेशन को कंसिडर करना होगा, ए प्लस बीबी गिव्स अस सीसी प्लस डीडी। ये तो आप जानते ही हैं, रिएक्टेंट्स कौन है, प्रोडक्ट्स कौन है, और साथ में आप ये भी जानते हैं ये जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी है ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है, डिफरेंट टाइप के एटम्स को इक्वल बनाने के लिए सुटेबल नंबर्स को यूज करना होगा। इस प्रकार से सुटेबल नंबर्स को यूज करने से हमें दोनों तरफ एटम्स के नंबर क्या मिलते हैं, इक्वल मिलते हैं, हर टाइप के एटम्स हमें दोनों तरफ इक्वल मिलते हैं, यानी मास भी इक्वल मिलता है, मास एंड नंबर दोनों ही क्या होंगे, कंजर्व्ड होंगे। इस प्रकार से मास कंजर्वेशन को फॉलो करना है और एटम कंजर्वेशन को फॉलो करना है तो सुटेबल कोफिशिएंट्स यूज करने होंगे, उसके बाद एटम्स का नंबर इक्वल होगा, लेफ्ट साइड जितना मास होगा उतना ही मास राइट साइड हमें मिल पाएगा। देखिए मोल एनालिसिस में सबसे पहला काम इक्वेशन को बैलेंस करना है, इक्वेशन आपने बैलेंस कर ली है, उसके बाद जो दी गई क्वांटिटी है उसको हमें नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है, चाहे कोई भी क्वांटिटी आपके पास क्यों ना हो, आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, आपके पास मास हो, आपके पास वॉल्यूम हो, उस क्वांटिटी को किसमें कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है। देखिए उसके बाद क्या करेंगे, मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैपिटल ए के हमें क्या मिलते हैं, एन ए मिलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैपिटल बी के क्या मिलते हैं, एन बी मिलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैपिटल सी के क्या मिलते हैं, एन सी मिलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैपिटल डी के क्या मिलते हैं, एन डी मिलते हैं। दी गई क्वांटिटी को हमने नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लिया है, इसके बाद क्या करना होगा, ध्यान से सुनिए, इसके बाद ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनको मोल मान लेना है, ए मोल्स ये क्या है, ये बी मोल्स हैं बी के, ये ए मोल्स कैपिटल ए के हैं, ये क्या है सी मोल्स हैं, ये डी मोल्स हैं। ध्यान से सुनना, जो दी गई क्वांटिटी है उसको मोल में कन्वर्ट कर लेना है, आपने दी गई क्वांटिटी को मोल में कन्वर्ट कर लिया है, मास गिवन है तो मोलर मास से डिवाइड किया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो एन ए से डिवाइड कर लिया है, वॉल्यूम एसटीपी पर गिवन है तो 22.7 से डिवाइड कर लिया है। इस प्रकार से हमने क्वांटिटी को नंबर ऑफ मोल्स में इंडिकेट कर लिया है। इसके बाद कोफिशिएंट्स को मोल मानना है, क्या मान लेना, कोफिशिएंट्स को मोल मान लेना है। ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए देखिए कोफिशिएंट्स के मीनिंग को या अंडरस्टैंड करना काफी जरूरी है। एक बार अगर आपने कोफिशिएंट्स के मीनिंग को अंडरस्टैंड कर लिया,
उसके बाद स्टोइकियोमेट्री की दुनिया में आप ज्यादा अच्छा फील कर पाएंगे, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी स्टोइकियोमेट्री की दुनिया में। जैसे यहां कोफिशिएंट ए है बी है, इसका क्या मीनिंग है, ए मोल्स कैपिटल ए के बी मोल्स कैपिटल बी के साथ रिएक्ट होंगे और सी मोल्स कैपिटल सी के एंड डी मोल्स कैपिटल डी के प्रोड्यूस हो पाएंगे। तो देखिए अगर ये एक्स टाइम्स हुआ, ध्यान से सुनिए, अगर ये एक्स टाइम्स हुआ तो ये भी क्या होगा, एक्स टाइम्स होगा। क्लियर है बात, ये भी कितने टाइम्स होंगे, एक्स टाइम्स होंगे, ये भी कितने टाइम्स होगा, एक्स टाइम्स होगा। अगर ये वाई टाइम्स हुआ तो ये भी वाई टाइम्स होगा, ये भी वाई टाइम्स होगा, ये भी क्या होगा, वाई टाइम्स होगा। यानी जो दी गई क्वांटिटी है इनकी, जो नंबर ऑफ मोल्स है जो आपके पास है, जो क्वांटिटी आपके पास है, वहां से जो नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट किए हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स इस प्रकार से होंगी, एन ए इस मोल ए का ही कुछ टाइम्स होगा, मान लिया मैंने एक्स टाइम्स होगा, हो सकता है वाई टाइम्स हो, सकता है जेड टाइम्स हो, कितने भी टाइम्स हो सकता है स्मॉल ए का, लेकिन होगा जरूर। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स बी, ये कोफिशिएंट का मान लेते एक्स टाइम्स होगा, वाई टाइम्स होगा, अभी मैंने एक्स टाइम्स मान लिया है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी क्या होंगे, जो फॉर्म हुए होंगे, ये कोफिशिएंट सी का एक्स टाइम्स वाई टाइम्स जेड टाइम्स कुछ तो रहे होंगे। नंबर ऑफ मोल्स डी, ये भी आप देखिए कोफिशिएंट डी का एक्स टाइम्स वाई टाइम्स जेड टाइम्स कुछ तो रहे होंगे, मैंने एक्स टाइम्स मान लिया है। यानी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं जो यहां क्वांटिटीज होते हैं, अगर कोफिशिएंट डिफरेंट है तो रिएक्ट होने वाले नंबर ऑफ मोल्स एंड फॉर्म होने वाले नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं होंगे। इक्वल क्यों नहीं होंगे, कोफिशिएंट्स डिफरेंट है। अगर ये कोफिशिएंट्स डिफरेंट है तो डेफिनेटली देखिए इसके मोल अलग होंगे जो रिएक्ट होंगे, इसके मोल अलग होंगे, इसके मोल अलग होंगे, इसके मोल अलग होंगे। कोफिशिएंट से हमने अंडरस्टैंड किया है इसके ए मोल्स इसके बी मोल्स के साथ रिएक्ट होंगे, इसके सी मोल्स इसके डी मोल्स बन पाएंगे। अगर इसके मोल्स एक्स टाइम्स है, ए मोल्स के क्या है एक्स टाइम्स है, ए इंटू एक्स है, तो इसको मैंने क्या मान लिया, नंबर ऑफ मोल्स एन ए मान लिया है। इसके मोल्स अगर हमारे पास देखिए एक्स टाइम्स है, अगर ये एक्स टाइम्स है तो ये भी क्या होगा, डेफिनेटली यूनिटरी मेथड से क्या मिलता है, एक्स टाइम्स होगा। ए मोल से बी मोल्स रिएक्ट करता है और ये अगर एक्स टाइम्स है, ए एक्स नंबर ऑफ मोल्स है तो ये भी एक्स टाइम्स हुआ, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, बी एक्स नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ये देखिए इसके नंबर ऑफ मोल्स सी मोल्स हैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स डी मोल्स हैं, ये कोफिशिएंट से हमने देखा है। अगर इन दोनों को हमने एक्स टाइम्स किया तो ये भी डेफिनेटली क्या होंगे, एक्स टाइम्स होंगे, यानी सी इंटू एक्स मोल्स होंगे, यानी डी इंटू एक्स मोल्स होंगे। क्या ये नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे, रिएक्ट होने वाले नंबर ऑफ मोल्स एंड फॉर्म होने वाले नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं होंगे, कोफिशिएंट्स क्या है, कोफिशिएंट्स डिफरेंट है। देखिए क्या ये नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे, बिल्कुल इक्वल नहीं होंगे। क्या इक्वल बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। अगर कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं इनको, देखिए ए बी सी डी से डिवाइड करते हैं तो इक्वल हो जाएंगे। कैसे इक्वल हो जाएंगे, इसकी पूरी बारीकी से बात करनी है। उससे पहले यह भी आपको बताना चाहूंगा, जो रिएक्ट होने वाले मोल्स हैं और जो प्रोड्यूस होने वाले मोल्स हैं, इनके रेशियो की अगर बात की जाए तो इनका रेशियो क्या होता है, ये इसी रेशियो में, कोफिशिएंट के रेशियो में ही रिएक्ट होंगे। यानी ये जरूर किसी डेफिनेट क्वांटिटी का ए टाइम्स होगा, ये बी टाइम्स होगा, ये सी टाइम्स होगा, ये डी टाइम्स होगा। वह डेफिनेट क्वांटिटी हमने क्या मान ली है, एक्स मान ली है, तो क्या होंगे ये, ए इंटू एक्स क्या होंगे ये, बी इंटू एक्स क्या होंगे ये, सी इंटू एक्स ये क्या होंगे, डी इंटू एक्स। आइए इसकी पूरी बारीकी जानने के लिए कैसे नंबर ऑफ मोल्स को इक्वल बनाया जा सकता है और स्टोइकियोमेट्री की दुनिया में हम कौन से ऑपरेशन को अप्लाई करते हुए बार बार फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे, इसकी हमें बात करनी है। देखिए इनकी खोपड़ी में इनके नंबर ऑफ मोल्स को इंडिकेट किया गया है, एन ए एन बी एन सी एन डी, और ये किस रेशियो में प्रेजेंट होंगे इसकी बात भी आपसे की जा चुकी है। जो रिएक्ट होने वाले नंबर ऑफ मोल्स हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस होंगे, इनका रेशियो क्या होता है, याद रखें ये कोफिशिएंट के रेशियो में ही होते हैं। क्लियर है बात, ये किस रेशियो में होंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी में होंगे, ये आपके सामने है। अब देखिए ये नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं है, क्या इनको इक्वल बना सकते हैं, जी हां इक्वल बना सकते हैं। अगर सफिशियंट क्वांटिटी रिएक्ट होगी तो उस केस में 100% रिएक्शन कंप्लीट होगी
उस केस में देखिए क्या करना होगा, एन ए को स्मॉल ए से डिवाइड करना होगा। अगर ये ए टाइम्स है, स्मॉल ए से डिवाइड करना होगा। एन बी को स्मॉल बी से डिवाइड करना होगा, बी टाइम्स है, स्मॉल बी से डिवाइड करना होगा। एन सी को सी से डिवाइड करना होगा, सी टाइम्स है, सी से डिवाइड करना होगा। एन डी को डी से डिवाइड करना होगा, डी टाइम्स है, डी से डिवाइड करना होगा। तो ये इक्वल हो जाएंगे। देखिए कैसे इक्वल हो जाएंगे, इसकी बारीकी से बात करनी है। ये हम जानते हैं एन ए को ऐसे भी इंडिकेट किया जा सकता है एक्स इंटू ए, इसको ऐसे भी इंडिकेट किया जा सकता है एक्स इंटू बी, ये देखिए एक्स इंटू सी, ये देखिए क्या है एक्स इंटू डी। इस प्रकार से ए कैंसिल हुआ, बी से बी कैंसिल हुआ, सी से सी कैंसिल हुआ, डी से डी कैंसिल हुआ, क्या इक्वल हुए? जी हाँ। देखिए इस प्रकार से नंबर ऑफ मोल्स को अगर कोफिशियंट से डिवाइड किया जाए, जो ये रेशियो मिलता है, कौन सा रेशियो है? यह है मोल रेशियो। अगर ये मोल रेशियो इक्वल मिलता है तो हम क्या बोल सकते हैं, इस केस में हम बोल सकते हैं बोथ रिएक्टेंट्स आर 100% रिएक्टेड। क्लियर है बात? बोथ रिएक्टेंट्स आर 100% रिएक्टेड एंड रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। जी हां, बोथ रिएक्टेंट्स आर 100% रिएक्टेड एंड केमिकल रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। आई होप इसको आपने आसानी के साथ अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो देखिए हमें कुछ और केसेस को भी जानना होगा। और यहां पर यह अंडरस्टैंड करना होगा कि ऐसे केस में अगर हमें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल से अगर हमें प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा। इस प्रकार से नंबर ऑफ मोल जो रिएक्टेंट के हमारे पास है उसको कोफिशियंट से डिवाइड करना होगा, और जो नंबर ऑफ मोल्स हमें चाहिए उसको उसके कोफिशियंट से डिवाइड करना होगा। इस प्रकार से मोल रेशियो को इक्वेट कर देंगे। इसको इससे इक्वेट किया जा सकता है, इसको इससे भी इक्वेट किया जा सकता है, या फिर इसको इससे इक्वेट किया जा सकता है, इसको इससे इक्वेट किया जा सकता है, ये आपस में तो इक्वेट हो ही सकते हैं। जी हाँ, ये चारों ऐसे भी आपस में क्या होंगे, इक्वेट होंगे। अगर रिएक्शन 100% कंप्लीट हुई है, दोनों ही रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट हुए हैं, तो इस प्रकार से हर बार आपको ये मोल रेशियो क्या मिल जाएंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स बाय कोफिशियंट, ये क्या मिल पाएंगे आपको, ये इक्वल मिल पाएंगे। यही तो स्टोइकोमेट्री की माया है, यही तो मोल मोल एनालिसिस का जादू है। आई होप आपने दोनों ही बातों को एक बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया है। देखिए ऐसा होगा तो क्या करेंगे, कैसा होगा, अगर हमारे पास इस बार केमिकल इक्वेशन एक बार फिर से सेम केमिकल इक्वेशन है, जनरल हाइपोथेटिकल केमिकल इक्वेशन ये आपके सामने है, लेकिन इस बार रिएक्ट होने वाली जो क्वांटिटी है ये आपको एन ए एन बी नहीं गिवन है, आपको गिवन है एन ए डैश एन बी डैश, और सी एन डी के नंबर ऑफ मोल जो फॉर्म होंगे ये क्या है, एन सी डैश एन डी डैश है। आई होप इसको आपने काफी बारीकी से अंडरस्टैंड किया है। और ये नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं होंगे जो रिएक्ट हुए हैं, और जो नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं इक्वल क्यों नहीं होंगे, इक्वल इसलिए नहीं होंगे क्योंकि कोफिशियंट्स अलग अलग हैं, तो रिएक्ट होने वाले नंबर ऑफ मोल्स और प्रोड्यूस होने वाले नंबर ऑफ मोल्स कभी इक्वल नहीं होते। इस केस में इनको इक्वल बनाया जा सकता है, कोफिशियंट से डिवाइड करते हुए इनको इक्वल बनाया जा सकता है, लेकिन इक्वल तब होंगे कोफिशियंट से डिवाइड करने के बाद मोल रेशियो जब रिएक्शन 100% कंप्लीट हुई है, यानी रिएक्टेंट्स पूरा रिएक्ट हुए हैं। कैसा हमेशा होगा, जो क्वांटिटी गिवन है उसके कोरस्पोंडिंग रिएक्शन 100% कंप्लीट हुई हो, रिएक्टेंट का अमाउंट रिमेनिंग हो ही ना, कैसा हमेशा होगा। ऐसा भी हो सकता है रिएक्टेंट का अमाउंट जितना रिक्वायर्ड था उससे ज्यादा हो, और किसी रिएक्टेंट का अमाउंट जितना रिक्वायर्ड था उससे क्या हो, कम हो। ये दोनों बातें तो रिलेटिव बातें हैं। जैसे एन ए डैश और एन बी डैश की मैंने बात की, और मैंने एन ए डैश को कोफिशियंट ए से डिवाइड किया और एन बी डैश को कोफिशियंट बी से डिवाइड किया, ये मुझे इक्वल नहीं मिलते हैं, बल्कि क्या मिलते हैं, एन ए डैश बाय ए ग्रेटर मिलता है
एन बी डैश बाय बी से, इसका क्या मीनिंग है, जितनी क्वांटिटी इसकी होनी चाहिए थी उससे क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है, तभी तो मोल रेशियो ज्यादा है। और इसका क्या मीनिंग है, ये एन बी डैश बाय बी लेसर है, जितनी क्वांटिटी होनी चाहिए थी उस क्वांटिटी से इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम है, इसीलिए ये मोल रेशियो आपको कम मिलता है। यानी ये क्या है, ये लेसर मिलता है, ये लेसर है, और ये क्या है, ये ग्रेटर है। आई होप इस कहानी को आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो देखिए कौन 100% कंज्यूम हो जाएगा, इसको इसके साथ ही रिएक्ट होना है। जैसे ही इसका साथ खत्म हो जाएगा, जैसे ही ये रिएक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले तो यही रिएक्ट होगा, इसकी क्वांटिटी जितनी रिक्वायर्ड है इसके अकॉर्डिंग, उससे क्या है, लेसर है। यानी ये जल्दी कंज्यूम होगा, ये जल्दी कंज्यूम होगा, तो इसके कंज्यूम होने के बाद रिएक्शन क्या हो जाएगी, सोचिए सोचिए, रुक जाएगी रिएक्शन, रिएक्शन रुक जाएगी। यानी जब तक ये कंज्यूम हो रहा होगा तब तक ही सी एन डी प्रोड्यूस हो रहे होंगे, जैसे ही ये खत्म हो जाएगा सी एन डी की फॉर्मेशन रुक जाएगी, अकेला ए कुछ नहीं कर पाएगा, ए बी के साथ रिएक्ट होकर ही सी एन डी बना सकता है, अकेला ए कुछ नहीं कर पाएगा। यानी इस केस में हमें क्या करना होगा, इस केस में बेहतरीन अंदाज में एनसी डैश एन डी डैश को इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा, एन बी डैश बाय बी ये इक्वल होगा एनसी डैश बाय सी के, और एन बी डैश बाय बी इक्वल होगा एन डी डैश बाय डी के। जैसे ही बी कंज्यूम हो गया है, ए अकेला रिएक्ट नहीं हो पाएगा और सी एन डी फॉर्म नहीं हो पाएंगे। यानी सी एन डी की प्रोडक्शन किस पर डिपेंड करती है, कौन रिएक्शन को कंट्रोल करता है, अगर बी रिएक्शन को कंट्रोल करता है तो बी का ही मोल रेशियो, बी का मोल रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट के मोल रेशियो के इक्वल होना चाहिए। और अगर आपने ऐसा किया तो देखिए यह आपकी आखिरी गलती होगी, एन ए डैश बाय ए इक्वल कर दिया आपने एन सी डैश बाय सी एन डी डैश बाय डी के, तो ये बिल्कुल गलत होगा। बिल्कुल गलत क्यों होगा, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जिसके नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज्यादा है उसके मोल रेशियो से प्रोडक्ट के मोल रेशियो को इक्वेट नहीं करना है। ये आपकी आखिरी गलती इसलिए होगी, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो 4 मार्क्स की काफी इंपोर्टेंस होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप यहीं पर ही जान लें, अंडरस्टैंड कर लें, और फिजिकल केमिस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में इस कॉन्सेप्ट को हमें अप्लाई करना है। वहां पर भी अगर आपको मजबूती से काम करना है तो इस कॉन्सेप्ट को जानना काफी जरूरी है आपके लिए। अगर आप नहीं जानेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री में वीकनेस रह जाएगी और उतना कॉन्फिडेंस आप गेन नहीं कर पाएंगे जितना होना चाहिए। इसको जानना है, इसको पहचानना है, तो एक बेहतरीन टॉपिक आपके सामने, टॉपिक का नाम है लिमिटिंग रिएक्टेंट और रिएजेंट। क्या होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट और रिएजेंट, इसकी पूरी माया को जानेंगे। देखिए लिमिटिंग रिएक्टेंट और रिएजेंट एक ऐसा रिएक्टेंट और रिएजेंट होता है जो रिएक्शन में सबसे जल्दी कंज्यूम होगा, जो कंट्रोल करता है केमिकल रिएक्शन को। डेफिनेशन लिखिए जल्दी से, द रिएक्टेंट और रिएजेंट विच इज कंज्यूम्ड फर्स्ट और हुज मोल रेशियो इज लीस्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट और रिएजेंट। ध्यान से सुनिए, हमारे पास एक हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन ये है, इक्वेशन आपको गिवन है, ए ए प्लस बी बी गिव्स अस सी सी प्लस डी डी। मोल रेशियो हमने चेक किया एन ए बाय ए एन बी बाय बी। अगर ये मोल रेशियो इक्वल नहीं मिलता है, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है एक की क्वांटिटी कम होगी, दूसरे की क्वांटिटी क्या होगी, रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज्यादा होगी। तो इस केस में हमें कंपेयर करना होगा। देखिए कंपैरिजन करने पर हमें मोल रेशियो इस प्रकार से मिलता है, कंपैरिजन करने पर हमें मोल रेशियो इस प्रकार से मिलता है। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है क्वांटिटी कैपिटल ए की कम होगी जितनी होनी चाहिए थी उससे, और देखिए क्वांटिटी कैपिटल बी की ज्यादा होगी। तो जिसकी क्वांटिटी कम होगी वह रिएक्टेंट क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वह रिएक्टेंट एक्सेस रिएक्टेंट ईआर है। तो देखिए यहां पर किसकी क्वांटिटी कम है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी से किसकी क्वांटिटी कम है, ए की क्वांटिटी कम है। यह हमें मोल रेशियो के कॉन्सेप्ट से पता चलता है।
ये हमें पता चलता है मोल रेशियो के कॉन्सेप्ट से, किसकी क्वांटिटी कम है, कैपिटल ए की क्वांटिटी रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कम है, यानी कैपिटल ए क्या हुआ, ये हुआ लिमिटिंग रिएक्टेंट। ऐसे केस में हम एक्सेस रिएक्टेंट के मोल रेशियो को बिल्कुल भी इक्वल नहीं करेंगे मोल रेशियो ऑफ सी एंड मोल रेशियो ऑफ डी के, क्योंकि रिएक्शन को कंट्रोल कौन करता है, रिएक्शन को कंट्रोल करता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। जैसे ही लिमिटिंग रिएक्टेंट और रिएजेंट कंज्यूम हो जाएगा वैसे ही रिएक्शन रुक जाएगी, क्योंकि अकेला कैपिटल बी किसी के साथ रिएक्ट नहीं होगा, कैपिटल बी को कैपिटल ए के साथ ही रिएक्ट होना था, लेकिन कैपिटल ए 100% कंज्यूम हो चुका है और ये लिमिटिंग है, तो इसके बाद रिएक्शन रुक जाएगी। यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स जितने भी आपके पास कैपिटल बी के हैं, ये सभी मोल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन जो लिमिटिंग है इसके सभी नंबर ऑफ मोल्स किस में कन्वर्ट हो पाए हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए हैं। यानी हमें इस केस में क्या करना होगा, या इस केस में हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट और रिएजेंट का मोल रेशियो जो कि क्या है एन ए बाय ए, इसे इक्वेट करना होगा प्रोडक्ट के मोल रेशियो को एन सी बाय सी को एन डी बाय डी को, इससे क्या होगा, इससे हम प्रोडक्ट की क्वांटिटी को सी एंड डी के नंबर ऑफ मोल्स को आसानी के साथ कैलकुलेट कर पाएंगे। जी हां, अगर आप भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स, प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, थंब रूल आपके पास ये है कि आपको करना ये है लिमिटिंग रिएक्टेंट और रिएजेंट का मोल रेशियो नंबर ऑफ मोल्स बाय कोएफिशिएंट, इसको इक्वेट करना होगा प्रोडक्ट के मोल रेशियो से। इस प्रकार से इक्वेट करने से सी एंड डी के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अगर मास कैलकुलेट करना है तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स मास के साथ ऐसे रिलेटेड है, मास बाय मोलर मास, आप आसानी के साथ मास भी कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करने हैं, कोई गैसियस प्रोडक्ट है एसटीपी कंडीशन पर, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.7, तो इस प्रकार से वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर लिया है, यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स एन ए है, कोएफिशिएंट स्मॉल ए है, तो ये क्या होगा मोल रेशियो। एक बार प्रोडक्ट सी के मोल रेशियो से इक्वेट कर देंगे और एक बार इसको इक्वेट कर देंगे प्रोडक्ट डी के मोल रेशियो से। इस प्रकार से यहां से सी के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, यहां से डी के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, इन नंबर ऑफ मोल्स को यहां पुट करने से मास आ जाएगा, यहां पुट करने से अगर गैसियस सब्सटेंस हुआ तो वॉल्यूम आ जाएगी। क्लियर है बात। अगर देखिए सिचुएशन रिवर्स हुई तो क्या करना होगा, इसका क्या मीनिंग है, सिचुएशन रिवर्स कब होगी, देखिए ए ए प्लस बी बी, ए ए प्लस बी बी गिव्स अस सी सी प्लस डी डी। यहां पर ये हाइपोथेटिकल केमिकल इक्वेशन आपके सामने है, जो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट होंगे ये देखिए एन ए एन बी है, जो नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म होंगे मान लेते हैं एन सी एन डी है, तो क्या रिलेशन होगा, जैसे ही मैंने मोल रेशियो लिया किसका, या रिएक्टेंट्स का मोल रेशियो लिया, पिछली बार मुझे क्या मिल पाया था, देखिए सिचुएशन को रिवर्स करते हैं, पिछली बार हमें इसका मोल रेशियो ज्यादा मिल पाया था। ऐसा भी हो सकता है रिएक्शन में अमाउंट इस प्रकार से हो कि इसका मोल रेशियो इससे अलग जो रिएक्टेंट है, देखिए किससे अलग, या हमारे पास बी से अलग जो रिएक्टेंट है उसका मोल रेशियो कैपिटल ए का मोल रेशियो ज्यादा है, तो सिचुएशन रिवर्स हुई कि नहीं हुई, रिवर्स हुई, यानी बी का मोल रेशियो कम है, द रिएक्टेंट टू रिएजेंट हुज मोल रेशियो इज लिस्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट और रिएजेंट। यानी लिमिटिंग कौन होगा इस बार बी लिमिटिंग होगा, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है, जिसका मोल रेशियो ज्यादा है, ये क्या होगा, ये होगा एक्सेस रिएक्टेंट। आई होप ये कहानी आपने काफी बारीकी से अंडरस्टैंड कर ली है। देखिए इसको देखते ही हमें क्या पहचान बनाने हैं, ये आपको फील हो जाना चाहिए, जिसका मोल रेशियो कम है ये लिमिटिंग है, तो हमें करना क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल रेशियो से हमें प्रोडक्ट के मोल रेशियो को इक्वेट करना होगा, यानी एनबी बाय बी से, एनबी बाय बी से हमें इक्वेट करना होगा एनसी बाय सी को, हमें इक्वेट करना होगा एनडी बाय डी को। इस प्रकार से हम नंबर ऑफ मोल सी एन डी के कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर सी एन डी के नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास होंगे तो आसानी के साथ
हम मास एंड वॉल्यूम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर गैसियस प्रोडक्ट है तो वॉल्यूम कैलकुलेट कैसे की जा सकती है ये मैं आपको बता सकता हूं। ऐसी भूल कभी नहीं करनी है जो एक्सेस रिएक्टेंट है इसके मोल रेशियो से इक्वेट नहीं करना है। एनसी बाय सी को इसके मोल रेशियो से इक्वेट नहीं करना है, एनडी बाय डी को। ऐसा किया तो गलत आंसर आ जाएगा। ये सभी नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ही नहीं पाए हैं। अगर हो ही नहीं पाए हैं तो इस केस में कैसे आप मोल रेशियो को इक्वेट कर सकते हैं। हमें केवल और केवल रिएक्टेंट के मोल रेशियो से ही क्या करना है, हमें केवल और केवल रिएक्टेंट के मोल रेशियो से प्रोडक्ट के मोल रेशियो को तब इक्वेट करना है जब वह रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट हो। ऐसे किसी भी रिएक्टेंट के मोल रेशियो से प्रोडक्ट के मोल रेशियो को इक्वेट नहीं करेंगे, नहीं तो इस प्रकार से गलत आंसर भी आ सकता है। ये हमने देख लिया, नंबर ऑफ मोल्स को कोफिशिएंट से डिवाइड किया, नंबर ऑफ मोल्स को कोफिशिएंट से डिवाइड किया, यह रेशियो कम मिलता है, लिमिटिंग है। इस मोल रेशियो से ही एक बार सी के मोल रेशियो को इक्वेट किया, एक बार डी के मोल रेशियो को इक्वेट किया, यहां से नंबर ऑफ मोल्स सी एंड डी आ जाएंगे, यानी रिक्वायर्ड क्वांटिटी हमें मिल पाएगी। तो इससे हमने क्या अंडरस्टैंड किया, इससे हमने अंडरस्टैंड किया जैसे ही बी कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन रुक जाएगी, क्योंकि ए को बी के साथ ही रिएक्ट होना है, बी फिनिश हो चुका है, रिएक्शन रुक जाएगी। तो फिर क्या होगा, फिर कुछ नहीं होगा, उसके बाद तो कैलकुलेशन करने हैं, लिमिटिंग के मोल रेशियो से प्रोडक्ट के मोल रेशियो को इक्वेट करना है। देखिए लिमिटिंग रिएक्टेंट ही रिएक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे ही लिमिटिंग रिएक्टेंट का अमाउंट फिनिश हो जाएगा वैसे ही रिएक्शन रुक जाएगी। लिमिटिंग के अलावा जो दूसरा रिएक्टेंट होता है वह रिएक्टेंट एक्सेस रिएक्टेंट है। आइए एक्सेस रिएक्टेंट की डेफिनेशन और इसकी पूरी माया को जाने। द रिएक्टेंट और रिएजेंट हुज मोल रेशियो इज ग्रेटेस्ट और रिमेनिंग और लेफ्ट आउट रिएक्टेंट इज एक्सेस रिएक्टेंट। अगर हमारे पास केमिकल इक्वेशन ये है, ए ए प्लस बी बी गिव्स अस सी सी प्लस डी डी, ये केमिकल इक्वेशन हमारे पास है, और देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी के एन ए एंड एन बी है, और जो नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म होंगे ये मान लेते हैं एन सी एन डी होंगे, तो रिलेशन क्या होगा आइए इसकी बात करें। जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स को कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं तो देखिए अगर ऐसा मिलता है, अगर हमें ऐसा मिलता है कोफिशिएंट से डिवाइड करने पर अगर हमें इन नंबर ऑफ मोल्स को रिलेट करना हो तो मोल रेशियो को रिलेट करना है, इसका मीनिंग यही है। नंबर ऑफ मोल्स को कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया है यानी हमें मोल रेशियो को कंपेयर करना है, और मोल रेशियो कैपिटल ए का हमें ग्रेटर मिलता है, कैपिटल ए क्या हुआ जिसका मोल रेशियो ग्रेटेस्ट है, ये हुआ एक्सेस रिएक्टेंट, और जिसका मोल रेशियो लिस्ट है ये हुआ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इस केस में क्या एक्सेस रिएक्टेंट के मोल रेशियो से प्रोडक्ट के मोल रेशियो को इक्वेट करना है, जी नहीं, हमें हर बार क्या करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल रेशियो से ही यानी एन बी बाय बी से ही एक बार एन सी बाय सी को इक्वेट करेंगे, एक बार एन डी बाय डी को इक्वेट करेंगे। इस बार इक्वेट करने से देखिए क्या मिल पाएगा, इस बार इक्वेट करने से हमें नंबर ऑफ मोल सी मिल पाएंगे, और दूसरी बार इक्वेट करने से हमें क्या मिल पाएंगे नंबर ऑफ मोल्स डी मिल पाएंगे। अलग अलग से हम नंबर ऑफ मोल्स सी एंड नंबर ऑफ मोल्स डी जो कि फॉर्म हुए होंगे इनकी बात कर सकते हैं, यानी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स जानते हैं तो नंबर ऑफ मोल से मास की भी बात की जा सकती है, अगर गैसियस प्रोडक्ट हुआ तो वॉल्यूम की भी बात की जा सकती है। आई होप यह आपने बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड किया होगा। ये जो नंबर ऑफ मोल्स यहां पर रिएक्शन के अंदर गिवन होंगे, जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी होगी उससे हो सकता है डिफरेंट गिवन हो, तो हमें इन नंबर ऑफ मोल्स को पूरा पूरा रिएक्ट नहीं करवाना है। ऐसा नहीं मानना है कि नंबर ऑफ मोल्स यहां पर 100% कंज्यूम हो जाएंगे, ये चेक करना होगा, ये चेक करना होगा। कैसे चेक करना होगा, कोफिशिएंट से डिवाइड करते हुए चेक करना होगा। जिसका मोल रेशियो कम है जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, जिसका मोल रेशियो ज्यादा है वह रिएक्टेंट एक्सेस रिएक्टेंट है, रिमेनिंग रिएक्टेंट है, लेफ्ट आउट रिएक्टेंट है, यानी रिएक्शन होने के बाद लिमिटिंग के कंज्यूम होने के बाद भी उसका कुछ अमाउंट बचेगा, तो उसके मोल रेशियो से प्रोडक्ट के मोल रेशियो को इक्वेट नहीं कर सकते हैं। उसके सभी मोल्स यहां पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, इसका मीनिंग है
ऑलवेज लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल रेशियो से ही प्रोडक्ट के मोल रेशियो को इक्वेट करना है। आज हमने थ्योरी पार्ट को एक बेहतरीन तरीके से फिनिश किया है। स्टोइकियोमेट्री को अगर अंजाम तक लेकर जाना है तो इसके लिए हमें क्वेश्चंस की जमकर प्रैक्टिस करनी होगी। नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चंस की जमकर प्रैक्टिस करेंगे और एक ऐसी टेक्निक से मैं आपको मिलवाऊंगा, एक ऐसी टेक्निक है जिससे बिना इक्वेशन को बैलेंस किए भी क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है, यानी कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। उसकी पूरी माया को जानने के लिए, जादू को जानने के लिए चलिए हमारी मुलाकात होगी अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे अच्छे काम करते रहें। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।